वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू आल डूइंग गुड टुडे आई एम हैव विद अ न्यू क्यू कार्ड विच इज़ एन आर्ग्यूमेंट ऑफ योर फ्रेंड्स हैड सो कोई आर्ग्यूमेंट जो आपके किसी दो फ्रेंड्स के बीच में हुई हो कोई बहस वैन इट हैपन्ड हैव टू मैंशन द टाइम वॉट इट वॉज़ अबाउट द टॉपिक हाउ इट वॉज सॉल्व्ड उसका सोल्यूशन उसको सॉल्व कैसे किया गया एंड हाउ यू फील्ड अबाउट इट और आपको कैसे लगा basically this Q card seem to be very complicated for majority of the students but मैंने इसको एक बहुत easy method के साथ करने का try करा है so let's begin with the beginning lines the beginning lines are arguments happen when we are adamant about something but at the same time we fail to comprehend the other side arguments basically तब होते हैं जब हम किसी बात को लेकर जिद्दी हो जाते हैं adamant होता है जिद्दी but उसी time पे हम दूसरों दूसरी side को दूसरों को अंडरस्टैंड करने के एबल नहीं होते हैं वी फेल टू कॉम्प्रीहड कॉम्प्रीहड है मीन्स अंडरस्टैंड हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते उसी टाइम पर दूसरे बंदों को तभी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं समटाइम्स ट्रीवियल ऑल्टेशंस कैन टर्न इन टू ट्रीमेंडियस वंस सो so, कई बार छोटी छोटी चीज़ें ट्रीवियल होता है द थिंक इज़ ऑफ लेस लेस इम्पॉर्टेंस और नो इम्पॉर्टेंस सो कोई छोटी छोटी चीज़ ऑल्ट्रकेशन है मीन्स आर्ग्यूमेंट्स छोटी डिसअग्रीमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स कई बार बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट्स में भी कन्वर्ट हो जाती हैं ट्रीमेंडस मीन्स लार्ज बिग

कि ये इंसिडेंस कब हुआ था जब मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो एक हीटी डिबेट में चले गए थे एक मंथ पहले जब मेरे सारे फ्रेंड्स ने प्लान करा था हमारे घर में मिलने के लिए सो वी कमेंस्ड टू टॉक अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स एंड इन बिटवीन द टॉक माय फ्रेंड्स मोहन एंड रोहन स्टार्टेड टू टॉक अबाउट वेदर इट इज़ गुड इट इज़ बेटर फॉर द चिल्ड्रन टू ग्रो अप इन कंट्री साइड और सिटीज़ कमेंसड का मतलब होता है स्टार्ट सो so हमने बहुत टॉपिक्स के बारे में बात करनी स्टार्ट करी और उसी दौरान मेरे फ्रेंड्स मोहन एंड रोहन वट एवर वर्ड और वट एवर नेम यू वॉन्ट टू राइट हैर यू कैन राइट सो मोहन रोहन ने स्टार्ट टॉपिक uh, किसी टॉपिक के ऊपर स्टार्ट uh, की अपनी कन्वर्जेशन वो टॉपिक था कि बच्चों के लिए कंट्री साइड में ग्रो करना बेटर है या सिटीज़ में कंट्री साइड मीन्स विलेज एरिया सिटीज़ का आपको पता ही है ठीक है सो so, ये बेसिकली एक ट्रिक थी एक स्ट्रैटेजी थी राइटिंग के टॉपिक को मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट के आइडिया में यूज़ किया था इस क्यू कार्ड में सो so, आप भी इस तरीके से कर सकते हो कोई भी राइटिंग का टॉपिक है जिसमें बेसिकली दो व्यूज़ हों दो पॉइंट हों दो आइडियाज़ गिवन हों उसको आप इजीली किसी आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो जैसे एक टॉपिक है कि द द फैमिली हु डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू द गवर्नमेंट स्कूल्स शुड पे टैक्सेस और नॉट ठीक है सो so इसको आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते थे किसी आर्ग्यूमेंट में जैसे आप कह सकते थे कि मोहन ने कहा कि उनको टैक्स पे करना चाहिए और रोहन ने कहा उनको टैक्स पे नहीं करना चाहिए इसी तरीके से जैसे वो जंक फूड वाला टॉपिक भी है एक आपका राइटिंग टास्क का कि जंक फूड इज़ हेल्दी और जंक फूड इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड सो उसको भी आप कर सकते थे कि मोहन ने सपोर्ट किया कि जंक फूड अच्छा है रोहन ने सपोर्ट किया वो बुरा है सो so इस तरीके से आप किसी भी राइटिंग के टॉपिक में जो कि दो व्यूज़ आप उसको इसी आर्ग्यूमेंट वाले क्यू कार्ड में यूज कर सकते हो सो बैक टू द टॉपिक द डिस्कशन बी गैन पॉजिटिव नोट जो डिस्कशन थी वो एक पॉजिटिव वे के साथ हुई थी एज मोहन ड्वेल्स इन कंट्री साइड सो ही फेवर्ड द सेम वेर एज रोहन वॉज टेकिंग द साइड ऑफ सिटी लाइफ मोहन कंट्री साइड में रहता था विलेज एरियाज में रहता था ड्वेल्स मीन्स रहना रिजाइड लिव इसलिए उसने कंट्री साइड का ही फेवर लिया कंट्री साइड को सपोर्ट की बट रोहन जो था वो सिटी लाइफ को सपोर्ट कर रहा था रोहन फेल दैट द लाइफ इन द सिटी अजिस्ट चिल्ड्रन टू हैव एक्सक्विड ड्रीम्स एंड हैव चांस टू मेक दो ड्रीम्स कम ट्रू बाय डिंट ऑफ न्यूमरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दियर लेटर ईयर्स रोहन को ऐसा लगा कि जो सिटीज़ की लाइफ होती है वो बच्चों की हेल्प करती है असिस्ट मीन्स हेल्प इसको आप राइटिंग में भी बहुत यूज़ कर सकते हो बच्चों की हेल्प करती है टू हैव एक्सक्वसिड ड्रीम्स एक्सक्सिट होता है एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल ड्रीम्स ब्यूटिफुल एंड हैव चांस टू मेक दोज ड्रीम्स कम ट्रू तो सिटीज़ में वो कह रहा कि ऐसा पॉसिबल है कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं किस तरीके से बाई डेंट ऑफ का मतलब होता है थ्रू किसी चीज़ के द्वारा डियम है सो so, किस चीज़ के द्वारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ पे लेटर ईयरस में उनके मोर ओवर देर आर होटल्स हॉस्पिटल रेस्टोरेंट्स एंड मेनी मोर अमानिटीज़ फॉर देम फ्रॉम वेयर दे कैन गेट बेस्ट सर्विसेज और सिटीज़ में होटल्स होते हैं रेस्टोरेंट्स हॉस्पिटल्स और बहुत ज़्यादा ऐसे इस तरीके से फैसिलिटीज़ होती हैं अमानिटीज़ मीन फैसिलिटीज़ जहाँ पर वो बेस्ट सर्विसज एक्वायर कर सकते हैं वेयर एज मोहन सेट दैट इट डज़ ऑफ़न सीन दैट चिल्ड्रेन इन विलेज आर सेलिब्रियस एंड लेस ससेप्टबल टू इनस मोहन ने कहा कि ये ऑफन ये अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे विलेज़स में रहते हैं वह ज़्यादा सेलिब्रियस होते हैं सेलिब्रियस का मतलब होता है हेल्दी एंड लेस ससेस्टिबल टू इलनेस ससेस्टेबल होता है लाइकली टू बी इन्फ्लेंसड बाई समथिंग और उनको बीमारियाँ भी बहुत कम लगती है बिकॉज ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ नॉन पोल्यूट इन्वायरमेंट क्योंकि विलेज़स में जो इन्वायरमेंट होता है वो पोल्यूशन से भरा नहीं होता ठीक है नॉन पोल्यूट होता है इसीलिए उनको बीमारियाँ भी कम लगती हैं उनके चांसेज जो हैं वो कम होते हैं He added that inhabitants of the cities have to pay higher prices for housing, transport, and even food. उसने ये बोला कि जो cities के रहने वाले लोग होते हैं inhabitants means dwellers रहने वाले लोग उनको बहुत higher prices pay करने पड़ते हैं houses के लिए transport के लिए और in fact food के लिए भी. They both expressed their own opinions persistently on it. बट आफ्टर फिफ्टीन मिनट्स आउट ऑफ द ब्ल्यू देर टॉक गेट कन्वर्टेड इन टू अ टिफ़ एंड दी रेटिंग ईच अदर उन दोनों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए कॉन्टीन्यूसली इसके ऊपर परसिस्टेंटली मीन्स कॉन्टीन्यूसली बट पंद्रह मिनट के बाद अचानक आउट ऑफ द ब्ल्यू ईडियम है जिसका मतलब होता है अचानक उनकी जो कन्वर्जेशन थी वो एक टिफ में कन्वर्ट हो गई टिफ मीन्स अ पेटिक्वेरल झगड़ा छोटा झगड़ा और वो दोनों एक दूसरे को स्कोल्ड करना स्टार्ट हो गए बिरेटिंग का मतलब होता है स्कोल्डिंग ईच अदर स्कोल्डिंग सम वन और टू क्रिटिसाइज सम समन विद एंगर ठीक है गुस्से के साथ एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया वी स्ट्रेन आर एवरी नर्व टू मेक दैम काम बट एट दैट पॉइंट देवर सो एंड ग्रोज्ड देट दे डि लिसन हमने अपना बेस्ट ट्राई किया स्ट्रेन्ड आर एवरी नर्व मैंने बहुत बार ये ईडीएम करवाया है और मैंने जो अपने फोर्टी थर्टी नाइन ईडीएम्स की वीडियो बनाई हुई है वो भी मैंने उसमें भी यही सारे एडियम्स यूज़ करे हैं जो मैं अपने क्यूकाज़ में करती हूँ सो so, हमने अपना बेस्ट ट्राई किया हमने अपनी पूरी मेहनत की कि हम उनको काम कर सकें बट उस टाइम पे वो एक दूस वो बेसिकली इतने ज़्यादा एंग्रोज हो चुके थे एंग्रोस्ड का मतलब होता है इंडल जोना कि उन्होंने हमारी बात सुनी ही नहीं आई वॉज़ इन डीड एसटॉनिश्ड बाय देर बिहेवियर इनफैक्ट मैं तो उनके बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी एस्टॉनिश्ड मतलब शॉक्ड इन डीड का मतलब होता है सचमुच सो so, मैं सचमुच उनके बिहेवियर को लेके बहुत ज्यादा शॉक्ड थी इवेंचुअली आई इंटरवीनड एंड एक्टेड एज एन आर्बिटर बिटवीन देम बाय मेकिंग देम अंडरस्टैंड दैट एवरीवन वन नीड टू हैव आइडेंटिकल ओपिनियंस सो इवेंचुअली का मतलब होता है एट लास्ट राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो टास्क वन में सो एट लास्ट मुझे इंटरफेरेंस करनी पड़ी इंटरवींट मीन्स इंटरफेरेंस करनी पड़ी और मैंने एज एन आर्बिटर एक्ट किया आर्बिटर बेसिकली वो बंदा होता है जो किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करता है ठीक है किसी डिसअग्रीमेंट को सॉल्व करवाता है उसको हम आर्बिटर बोलते हैं सो so, मैंने एज एन आर्बिटर एक्ट किया मतलब मैंने उनके झगड़े को सॉल्व कराया उनको ये समझा कर कि एवरी वन डजन नीड टू हैव आडेंटिकल ओपिनियन कि हर बंदे की सोच एक जैसी होना इज़ नॉट पॉसिबल आइडेंटिकल मीन्स सेम एंड इट इज़ ओके टू कंटेम्पलेट डिस्टिंक्टिवली देन अदर्स और ये सही है अगर हर बंदा अलग अलग सोचता है कंटेम्पलेट का मतलब होता है सोचना डिस्टिंक्टिवली मीन्स अलग अलग सो इट इज़ ओके ये सही है कि अगर कोई बंदा दूसरे बंदे से अलग सोचता है आफ्टर दैट दे बोथ नोडेड देअर हेड इन एन अफोमेटिव मैनर उसके बाद उन दोनों ने अपने हेड को नोट किया नोट मीन्स हिलाना एक पॉजिटिव मैनर में एफर्मेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ अग्री सहमति के साथ सो so, उन दोनों ने अपना हेड जो है वो नोट किया हिलाया सहमति के साथ और एक दूसरे से अपोलोजाइज किया अपोलोजाइज मीन्स एक दूसरे से माफ़ी मांगी सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्यू कार्ट यह क्यू कार्ट बहुत ईजी था आई हैव एडिड ऑल द वकेबरीज एंडियम्स जो बेसिकली uh, एक स्पीकिंग में होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोगों को किसी भी राइटिंग टॉपिक को आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो एंड इन फैक्ट यू कैन यूज़ दीज ऑल सेम लैक्सिकल रिसोर्स इन दैट ऑल्सो सेम बाकी सेंटेंसेज आप सेम रख के यही लेक्सिकल रिसोर्स आप उसमें भी यूज़ उस कर सकते हो सो द पर्सन हैवन सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इट एज़ मच एज यू कैन थैंक यू सो मच गाइज